कोरोना काल के अंदर तमाम जो एनजीओ है वो सामने नज़र आ रही है, जो लोगों की मदद करने के लिए, चाहे आम लोग हो चाहे एनजीओ हो या तमाम जो भी इंसानियत के तौर पे, तमाम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही भिंडी बाज़ार के इलाके में हम आए हैं। भिंडी बाज़ार के इलाके के अंदर लगातार जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो देने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी ज़रूरतमंद है 24/7 यहाँ पर आके ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लगातार जो ऑक्सीजन की जिनको कमी पड़ रही है, सप्लाई पड़ रही है, उनको कहीं ना कहीं पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अब ये बताइए, कब से आपने ये काम शुरू किया और कब कितने दिन हो गए ये काम? ये तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से चालू है, लेकिन ये पॉइंट पे मेन रोड पे मोहम्मद अली रोड पे अभी ये फिलहाल एक हफ्ते से चालू किया हूँ। एक पॉइंट अगर आगे रखे हैं कि कभी बाई चांस यहाँ बंद हो या किसी वजह से हम लोग यहाँ अवेलेबल नहीं हो तो किसी को धक्का नहीं हो, वो आगे से भी कलेक्ट कर ले। और ये हमारे हुसैन भाई है जो ये दुकान पे देखते हैं, दुकान इनकी है, और ये 24 घंटे में कभी भी ज़रूरत पड़ती है सब काम छोड़ के आ जाते हैं और पहले ज़रूरतमंद को सिलेंडर ऑक्सीजन का दे देते हैं। आप अभी तक का आप लोगों ने कितने पेशेंटों की मदद की है और कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया? एक्चुअली मैं ये कोई ऑडिट वाला तो है ही नहीं, मेरा पर्सनल है, हमारे खुद का तो ऐसा कोई हिसाब है ही नहीं मेरे पास कि कितने दिए, लेकिन 2-3 को छोड़ के बाकी किसी को हम लोग ने ना नहीं बोले। 2-3 को भी ना इसलिए बोले कि रिफिल नहीं थी हमारे पास। और उसके अलावा हमारे को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के इकबाल मेमन ऑफिसर जी है और फिर रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अरशद सिद्दीकी जी, देख के उनको देख के हमारे को और सीखने मिला, देखने मिला कि लोगों की खिदमत इस टाइम पे कैसी करनी चाहिए। और उन्होंने भी फुल सपोर्ट कोऑपरेट किया है मुझे हमेशा, और आगे भी उन्होंने कहा कभी भी मुझे कोई तकलीफ होगी, कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को कोऑपरेट करेंगे। अगर लोगों को जब सिलेंडर चाहिए तो आपसे कैसे रब्ता करें और कैसे लोगों को मदद पहुँचेगी? ऑलमोस्ट फेसबुक कम्युनिटी हेल्प करके हैं, फेसबुक का खुद का पेज, उस पर ऑलरेडी डाला हुआ है फ़ोन नंबर के साथ, मेरे फेसबुक पे भी डाला हुआ है और मेरे जितने दोस्त थे तमाम ने डाला हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं और ये मेरे ख्याल से मोस्टली साउथ मुंबई में तो एटलीस्ट हर किसी को मालूम है। देखिए, ये तो साफ तौर पे ये कहना है कि जो साउथ मुंबई के जो लोग हैं उन्हें सब तरीके से पता है, लेकिन जब भी ऐसा आपातकाल की स्थिति आती है तो देश के जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं सामने नज़र आते हैं, वो उठ के पहल करते हैं, सरकारें भी पहल करती हैं, लेकिन जो आम नागरिक है वो भी कहीं ना कहीं पहल करते हैं। लोग अपनी जेब से खर्चा करते हैं, लोग एनजीओ के जरिए खर्चा करते हैं और लोगों की जो ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश करते हैं। एफ न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई।